का मौसम देखो, ये समुन्द्र और ऊपर बादल देखो भाई साहब, कितना काला हो रखा है। सब लोग ना समुन्द्र से बाहर आ गए। देख लो भाई, ये है गोवा का कालंगूट बीच। सो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? इस टाइम भाई मैं गोवा में हूँ, गोवा के कालंगूट बीच में। कल इस प्रॉपर्टी में हम लोग कल रात को रुके हुए थे और भाई साहब हमने कम से कम 10-15 प्रॉपर्टी ढूंढी, उसके बाद हमको ना ये प्रॉपर्टी मिली। क्योंकि कालंगूट में ऐसे प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं, लेकिन हमें ना गोवा वाली वाइब भी चाहिए थी, जहाँ पे ऐसे नारियल के पेड़ लगे हो, ऐसे पेड़ पहाड़ इस तरह का कोई वाइब चाहिए था ना हमें। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें मिल गई 1800 रुपए में, हमने कालंगूट में ये ली। अभी अजय भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो भाई हम ना सारे भाई लोग ना अभी निकलने को तैयार हो रखे हैं। वैसे हमारे साथ में एक लौंडा हो रहा है ना प्रकाश, तो उसके चाचा ने गोवा में ही रहते हैं, तो उसके चाचा ने आज हम लोगों को ना अपने घर लंच पे इनवाइट किया है। तो आज हम लोग ना आपको गोवा की एक लोकल फैमिली के घर लेके चलेंगे, दिखाते हैं आपको कि गोवा के लोकल घर होते कैसे, किस तरह से लोग रहते हैं, कैसा उनका खान पान होता है, वो सब कुछ आज आपको ना गोवा के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट क्या है वो मैं ना आपको ना वहां पहुंचने के बाद ही बताऊंगा। और दूसरा भाई साहब देखो, इस टाइम पर लगातार, मतलब जिस दिन से हमने गोवा की धरती पे कदम रखा है ना, उस दिन से लगातार बारिश हो रही है भाई। रुकती है फिर होती है, रुकती है फिर होती है, रुकती है फिर होती है। लग रहा है कि ट्रिप हमारी ऐसी जाने वाली है। क्यों भाई, बढ़िया एक नंबर, पर मौसम भी तो बढ़िया है। हाँ घूमो ना, गर्मी हाँ ह्यूमिडिटी। लेकिन भाई साहब अजय भाई को ना, अजय को ना एक शिकायत है कि भाई ये ना अकेला आ गया, ये कह रहा है कि ना अपनी बहू के साथ में आना था तो ये मौसम का एंजॉय हो पाता। सही है ना? अरे रहने दे तू, तो अभी मौसम से काम चला ले, भाभी को कोई नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है वैसे। भाभी को दिखाता रहियो बीच बीच में वीडियो कॉल कर करके ना। हाँ जरूरी है। तो चलो बाकी आपको ना एक बार अपना रूम दिखाता हूँ कि कितना हमने मैसी किया हुआ है। ये देखो भाई साहब, ये हमारा रूम है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एक फ्रिज था जिसमें आप अपना कोल्ड ड्रिंक पानी पुनी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन सेटअप कर लिया भाई, चूल्हा और ये बुटेन की सिलेंडर ले आया था। बाकी अपना अंडे उंडे ब्रेड ब्रूड जैम जूम सब कुछ है भाई। तो इस तरीके से अपना ना थोड़ा सा बजट मेंटेन कर रहे हैं ताकि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चल पाए। बाकी ये रूम भी था खाली पड़ा था, तो हम लोग इसमें भी सो गए थे, इसको भी यूज कर लेते क्योंकि इस प्रॉपर्टी में ना अभी हमारे अलावा कोई गेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी सीजन नहीं है गोवा में, तो कोई आ भी नहीं रहा है। तो अभी प्रकाश और उसके चाचा ना स्कूटी लेने गए हुए हैं, और मतलब उसके चाचा जी ना हमको स्कूटी भी दे रहे हैं, मतलब दो स्कूटी दे रहे हैं कि मेरी तरफ से तुम इन्जॉय करो गोवा में। तो हमने कहा बढ़िया भाई, जितना जहाँ पैसा बचता है बचा लेना चाहिए। क्यों भैया? बिल्कुल करेक्ट है ना। तो अभी चल रहे हैं, वो लोग आते हैं स्कूटी लेके, फिर जा रहे हैं हम प्रकाश के चाचा के घर पे। भाई ऐसे प्रॉपर्टी बड़ी जानदार है, बहुत अच्छी लोकेशन पे भाई, मजा आ गया। अगर आप भी गोवा प्लान कर रहे हो ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी कालंगूट में आप देख सकते हो। मैं आपको अंकल का नंबर वगैरह दे दूंगा, तो आप पता करके भी आ सकते हो। बहुत अच्छे बंदे हैं भाई अंकल ने हमसे, मतलब कल दोपहर में आ गए थे, लेकिन अंकल ने अभी तक हमसे किराया नहीं लिया। कह रहे दे देना सुबह, दे देना अभी, हम दोबारा कह रहे दे देना आराम से। और बाकी जैसे हमें कुछ चीज़ लेने वेने जाना पड़ रहा है ना, जैसे मार्केट जाना है, तो अंकल की हम स्कूटी मांग ले रहे हैं अंकल से, तो वो भी अंकल दे दे रहे हैं। अभी ना आपको ना अंकल का ना बैक साइड दिखाता हूँ कि रिजॉर्ट का बैक साइड कैसे दिखता है। और भाई लोग ये हमारे ना यहाँ पे खड़े ना पीछे के नज़ारे ले रहे हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टी का बैक एरिया है। ये पूरा प्रॉपर्टी ना अंकल का ही है, यहाँ भी सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। और इस सीजन में ना एक फ़ायदा ये है कि भाई जैसे नारियल का पेड़ है ना, रात को जैसे बारिश बुरिश होती है, बड़ी भयंकर तरीके से हिलते हैं, और नारियल ना ऐसे नीचे गिर जाते हैं। दिख रहे हैं आपको नीचे, ये देखो नारियल पड़े हुए हैं, और आप उठाओ और इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो भाई हमारा भाई आ गया स्कूटी वगैरह लेके, और बाकी के लौंडे तो चले गए चाचा जी के साथ में। अब जफर और मैं निकलते हैं, और देखो भाई ये वाली प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं, बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है भाई। अगर आप लोगों को भी आना है ना, तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नंबर वंबर दे दूंगा अंकल का डाल के। और भाई इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, देखो सामने नारियल का पेड़ है, टप टप नीचे गिरते रहते, उठा के ले जाओ पी जाओ। और इस प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए हमने कम से कम 2-2.5 घंटे मेहनत करी होगी। जफर भाई चला लो ना स्कूटी। अरे बिल्कुल भाई, रास्ता बताओ किधर जाना है। और भाई सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम निकले और बारिश बंद हो गई। जब रेनकोट भी लेना यार, जहाँ से लिया था ना वहाँ रोक लेना, याद है तुम्हें जगह? मतलब गोवा का मौसम इस टाइम ऐसा हो रखा है ना, अगर बारिश ना हो, अगर हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता खैर, लेकिन मौसम बहुत औसम हो रखा है। कैसे भाई लोग? ये हमारे चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। तो भाई सबसे पहले ना जफर भाई और मैं जा रहे हैं रेनकोट लेने के लिए, क्योंकि तो भाई जी फाइनली ना अपने को रेनकोट मिल गया है भैया की दुकान से ना, इन्हीं भैया की दुकान से पहले हम 5 रेनकोट ले गए थे। तो भाई अभी तो रेनकोट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है, तो हमने सारा डिग्गी डुग्गी में डाल दिया है, बारिश होती है फिर पहनेंगे।
इस टाइम पे सारे जादू बने घूम रहे हैं गोवा में। लड़कियां मतलब इतना ड्रेस पे अपना खर्च करती है ना गोवा में कि गोवा घूमने ऐसे शॉर्ट्स पहनेंगे ये पहनेंगे, लेकिन सारा भाई साहब वो रेनकोट के अंदर कवर हो गया, कुछ नहीं दिखा पा रहा कोई अपना। एक चीज और है यार, फॉरनर्स नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी इधर, वैसे कालंगोट में कम ही फॉरनर आते हैं। तो चलो भाई हम लोग ना कालंगोट बीच पे आ गए, अपनी गाड़ी वगैरह हमने पार्किंग पे लगा दी है। ना वैसे तो लोग बोल रहे थे ना कि इस टाइम पे कोई भी ना वाटर स्पोर्ट नहीं हो रहा गोवा में, लेकिन भाई मिला मैं यहाँ पे कौन सा तुम्हारा एस्टू एडवेंचर है कालंगोट बीच पे। तो भाई यहाँ पे इस टाइम पे ना सारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो भाई ने हमको ना एक 1600 कितने बताया आपने 1800 रुपए का भाई ने एक पैकेज दिया है, जिसमें ना एक क्रूज राइड होगी 1.5 घंटे की, बाकी सारी वाटर स्पोर्ट जितनी भी एक्टिविटी होती है ना गोवा में सारी ये लोग करवाएंगे। कितना टाइम लगता पूरी में ये? 4 आवर्स, वो 4 घंटे, 2 PM to 6 PM, मतलब एक दिन पूरा आपका सेट हो जाएगा 1600 रुपए 1800 रुपए में। खाना पीना भी 1800 रुपए में, लंच भी दो टाइम का, वन टाइम का खाना, 2 बियर्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वाटर है, स्नैक्स है, ओके, लाइट डीजे डांस पार्टी है, फुल एंजॉयमेंट है। ओह वाओ, मसाज, नो मसाज, ठीक है। तो भाई देख लो अगर किसी को आना है ना, इसमें पूरा इनका नंबर वंबर लिखा है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, तो ये सब रहेगा यहाँ पे। वैसे हम ना कल रात को कालंगोट बीच पर आए थे, लेकिन कल रात को मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि कुछ देखने के लिए ना दिखाने के लिए था ही नहीं, लाइट वाइट यहाँ पे थी नहीं, तो अपना ही इंजॉय किया, अपना पजामा फाड़ा, नाश्ते हमने, और इसलिए अब मैं ना शॉर्ट्स में आया हूँ, क्योंकि जो मैं लोअर लेके आया था ना, नहीं यार थैंक यू। बाकी भाई साहब यहाँ पे टैटू वाले तो ऐसे ही घूम रहे ना जैसे आलू प्याज बेच रहे हो, टैटू और दूसरा बंदा टैटू बना रहा है यहाँ पे, बढ़िया। भाई सामने ना मेरे को ना समुंदर दिखने लग गया, और ऐसे उफाने मार रहा ना भाई, यहाँ से देख के ही फट रही है भाई, मतलब इधर से देख के ना ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो ना जाने वाला अंदर, लेकिन जब अंदर जाओगे ना आप तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। ये तो पीछे को समुंदर दिख रहा ना, ऐसे लग रहा है कि बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है, ये देख रहे हो ये वाला, ऐसे लग रहा है कि बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हो, लेकिन ये नहीं है, वेव्स नहीं है, वेव छोटी छोटी है, मतलब आप जा सकते हो अंदर समुंदर में, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। और भाई साहब यहाँ पे टैटू के अलावा ना दारू की दुकान इतनी कॉमन है ना, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे राशन की दुकान होती है, मोबाइल की दुकान होती है ना, मतलब 100 मीटर के एरिया में कम से कम 5 से 6 वाइन शॉप यहाँ पे होती हैं, और ये हर जगह में है, मतलब जितने भी फेमस जगह है ना गोवा में, हर जगह पे यही हाल है भाई। लेकिन राहत ये है कि ना बारिश नहीं हो रही, बारिश थोड़ी रुक गई है, और अपने रेनकोट वगैरह सब हम गाड़ी में छोड़ के आए हैं, तो अगर बारिश होगी ना एकदम से भाग के जाना पड़ेगा रेनकोट निकालने के लिए। ये है गोवा का कालंगोट बीच, और इस टाइम पे भाई साहब मतलब मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गोवा में हमको ना ऐसा मौसम और ऐसा वेदर देखने को मिलेगा, क्योंकि गोवा में इस टाइम पे मानसून पीक पे है ना भाई, तो मुझे लग रहा था कि हम बीच पर जाएंगे और बारिश बुरी सोरी होगी दबा के, लेकिन यहाँ पे सब सीन सॉर्टेड है भाई, आराम से घूम सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है ना, मतलब अंजुना बीच हो गया, कालंगोट हो गया, जितने भी फेमस बीच हैं सारे जगहों पर ना ओपन थिएटर पब बोल लो या ओपन थिएटर क्लब बोल लो होते हैं, जैसे वो लिखा है सामने आई लव गोवा, वहाँ पे क्लब टाइप का है पूरा, मतलब बॉलीवुड स्टाइल में म्यूजिक बजता रहता है। भाई साहब ये ऑफ सीजन में इतना क्राउड है, सोचो कि सीजन में कितना क्राउड रहता होगा। लेकिन एक चीज ये है कि अब भाई ये क्या कर रहे हैं, अरे भाई साहब क्या हो गया इसको, कहाँ ले जा रहे हैं? तो भाई जी हमारे चाचा जी कैसे हो? बहुत अच्छा। चाचा जी की हाइट देखो भाई साहब कितनी लंबी है, कितना हाइट है आपका? 6 फुट 6 फुट के है भाई। बाकी लोग कहाँ गए अंदर? अच्छा आप लिए तो नॉर्मल होगा, आपको तो कुछ मजा ही नहीं आता होगा इसमें। भाई साहब क्या भयंकर टाइट आ रखी है, ये देखो ये देखो बालक कैसे खेल रहे हैं। ओ भाई लौंडे, ओ महेंद्र कहाँ गया महेंद्र? ओ भाई साहब टाइट हो गया, भयंकर आ रही है महेंद्र, मजा आ रहा है भाई साहब, ये देखो सारे जल परे पड़े। ओ माय गॉड, सीरियसली यार मजा आ गया। और ये भाई ऑफ सीजन है गोवा का, ऑफ सीजन में इतना क्राउड, तो भैया सीजन में सोचता हूँ यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती होगी। तो भैया हम भी अब तार में आ गए, गोवा वाले मूड में आ गए, और भाई साहब सॉरी अगर आपको मेरा पेट वेट देख के बुरा लग रहा हो, तो भाई साहब गोवा में तो ऐसे ही रहेगा ना। और भाई साहब ये देखो हमारे लौंडे फुल मजे लेते हुए गोवा के। बाकी अब भाई हो गया बहुत आपको दिखाना गोवा, अब मैं मोबाइल रखता हूँ साइड में और थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं ना हम भी, क्योंकि गोवा आए हैं शूट करने तो आई नहीं। और भाई लोग क्या हाल चाल, मजा आ रहा है?
क्या बात है। तो भाई जी वैसे अपने तो ना बहुत नालिया वालिया, लेकिन अभी क्या है ना कि अब सब लोग ना समुंदर से बाहर आ गए, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से ना लाइफ गार्ड वगैरह घूमते रहते हैं, तो ये समुंदर से लोग बाहर निकलते रहते हैं। ये देखो ये लाल वाला झंडा है ना, जो ये कह रहे हैं कि इससे पीछे पीछे रुको, तो इससे पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन अभी सीन क्या है ना कि ये देखो ये देखो इस तरीके से वो बंदा लेटा हुआ है। अरे भाई उसको उठने को नहीं हो रहा है, पुलिस को बुलाओ। बातें अपने आप उठेगा वो। अब उठ गया पुलिस के नाम से, एकदम से उठ गया, फुल टून है भाई वो, और समुंदर में जा रहा है। ये देखो फ्लैट है भाई वो, पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रहा, समुंदर के अंदर घुस गया। क्या हुआ तुरंत एक्टिव नाटक करता है। तो भाई लाइफ वाले को मैं ऐसे दिखा रहा कि मेरे को बहुत चढ़ रखी है, मैं बाहर नहीं आ सकता, इसलिए लाइफ गार्ड वाले को सुना रहा था। अब देखो गाड़ी निकल गई, ये गाड़ी निकलते ही सारे लोग फिर बीच पे पहुंच जाएंगे। देखो फिर पहुंच गए लौंडे बीच पे, जाओ भाई बेसर मो जाओ अंदर जाओ। वैसे अभी हम भी हरियाणा तो दबते नहीं। अच्छा जा, मौसम देखो, ये समुंदर और ऊपर बादल देखो भाई साहब कितना काला हो रखा है, और ये पूरे गोवा का यही सीन है भाई इस टाइम पे। ये देख क्या हो गया, ये डेड बॉडी ले क्या ले जा रहे हैं भाई, बस ये हरकतें नहीं करनी है गोवा में आके। ये देखो मतलब ये ऐसा करने से कुछ गलत भी हो सकता है भाई, तुम किसी को लेके जा रहे हो समुद्र में डाल रहे हो, इससे हम समुद्र ही देख लो भाई, समुद्र ऐसा लग रहा है क्या समुद्र होगा ऐसा। भाई जी बारिश ना बहुत तेज हो रहा है, हम सारे लोग तो एकदम से इमरजेंसी हो गई थी ना, बीच में सारे वायरन बजने लगा था, जो लास्ट गार्ड थे सारे लोग ना भाई साहब भागने लगे बीच में से, जो टाइट थी काफी ज्यादा लगी थी, तो हम लोग भी ना भाग के अंदर की तरफ को आ गए और यहाँ पे भी एक शेड के नीचे खड़े हैं, और बारिश तो भाई बहुत तेज हो रही है। बाकी गोवा वाला ट्रिप है ना जो इस बार ऐसे रहने वाला भाई, अपना फुल एडवेंचरस, फुल रेन, फुल मानसून, और ऐसी अफरा तफरी पूरे ब्लॉग में आपको दिखने वाली है। भाई हमारा भाई देखो फुल मस्ती के मोड में, कैसा लग रहा है गोवा आके, मजा आ रहा है, बारिश से दिक्कत तो नहीं, आनंद में हो गया, एक बार डांस करके दिखा दो फिर। तो चलो भाई बारिश तो रुक गई है, और अपने सारे यार दोस्त भी आ गए घूम फिर के, और अपन लोग ने यहाँ पे पेटीज वेटी चाचा ने ले लिया, वैसे तो हम खाना खा के आए थे, लेकिन चाचा जी ना जबरदस्ती खिला रहे हैं, खाओ कुछ तो खाओ, तुम भूख लग गई होगी, तुम समुद्र में इतना मेहनत की है ना तुमने, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा पेटीज खा लेते हैं। भाई साहब एक ना कांड हो गया हमारे साथ में, और वो कांड क्या हुआ हमारा महेंद्र भाई बताया, महेंद्र क्या हो गया पता नहीं है क्या हुआ। क्या हुआ भाई? अभी हमने स्कूटी लेके जो है ना रेंट पे लाए, तो वो स्कूटी की चाबी ना अमित भाई ने ना अपनी जेब में रखी हुई थी, और वो जेब से निकल के समुंदर में बह गई है। हमारी स्कूटी यहाँ खड़ी है, उठा के लाए कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर होगा जहाँ से लेके आए, अब पता नहीं क्या सीन रहता है भैया, अपने साथ में फुल एडवेंचर होते ही रहते हैं। चलो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है इसका। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, जो तुम्हारे चेहरे की चमक गायब हो गई ना भाई, भाई ने भाई चश्मा भी मिल गया यार ये रहा। लेकिन एक नुकसान तो हो गया, भाई का ना चश्मा चला गया समुंदर में, चाबी मिल गई, चाबी तो रखी हुई थी संभाल के, लेकिन भाई को लगा ना कि भाई ना जेब में रखी हुई थी, वो सीन था। चलो अंत बोला तो सब भला। तो चलो भाई फुल ना मतलब अपने कालंगोट का तो इन्जॉय कर लिया है, आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं या तो बागा की तरफ जाएंगे, और हमारे आज के जो गाइड है ना वो चाचा जी हैं, चाचा जी यहाँ के लोकल हैं, 20 साल से रह रहे हैं, तो इन्हें सब पता है इनोरा।
और भाई वो इतने फ्रैंक है ना भाई, इतने ओपन माइंडेड है भाई साहब, हमारे पीछे लगे हुए हैं कि बियर पी लो भाई, गोवा में आए हो और बियर नहीं पी रहे हो, क्या कर रहे हो? और भाई अभी बारिश रुकी हुई है ना, बिल्कुल बारिश नहीं है, और अभी ऊपर मौसम देखो भाई, काले बादल छाए हुए हैं लेकिन मौसम, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, और थोड़ी देर में ना अभी घनघोर बारिश होगी, ऐसा मौसम है यहाँ पे इस टाइम गोवा में। और टूरिस्ट की ना भाई कोई कमी नहीं है, जो लोग बोलते हैं ना गोवा रेनी सीजन में नहीं जाना चाहिए, भाई मेरे हिसाब से तो गोवा 12 महीने का है, लेकिन गोवा के हर बीच पे हर जगह पे आप नहीं जा सकते, जैसे कालंगूट में, अंजुना में, बागा में या आसपास में सारे बीच है, तो यहाँ पे आपको काफी क्राउड मिलेगा। और मुझे लग रहा भाई एक बार आपको ना गोवा मानसून में भी आना चाहिए, क्योंकि मानसून का भी है मजा लो ना भाई, कि मानसून में गोवा कैसा होता है, देखो भाई क्या मौसम है चारों तरफ ना, इस टाइम मेरे को ऐसा लगता है फोटोग्राफी के लिए वीडियोग्राफी के लिए बहुत सही है इस टाइम पे गोवा। तो भाई मानसून के टाइम पे ना जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं ना, वह हर जगह पे ना आपको बारिश बहुत भयंकर मिलेगी। और वैसे अभी हम तो गोवा की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम अभी चाचा जी के घर जा रहे हैं या चाचा जी हमें कहीं लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। हमारे जो नाव के कप्तान है ना, इस टाइम पे चाचा जी हैं, जो वो बोल रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल दे रहे हैं। चाचा जी बोलेंगे जो चाचा जी बोलेंगे वो हम करेंगे।